फ्रॉम मीनिंग ऑफ द करिकुलम, अर्थ क्या होता है, पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है. सो द टर्म करिकुलम हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूररे विच मीन्स अ रेस कोर्स और रनवे ऑन विच वन रन्स टू रीच अ गोल. ओके, सो करिकुलम क्यूररे के लैटिन वर्ड से लिया गया और क्यूररे का मतलब होता है रनवे या रेस कोर्स. जिस प्रकार से एक धावक अपने रेस कोर्स के अंदर दौड़ता है, वो रेस कोर्स से बाहर नहीं दौड़ सकता अपने गोल को अचीव करने के लिए, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक और एक विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अंदर ही, करिकुलम के अंदर ही रह कर वो अध्ययन करेंगे और वो ज्ञान अर्जित करेंगे. वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं कि द करिकुलम हैज़ बिन ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड क्यूररे which means a race course or runway on which one runs to reach a goal. Accordingly, a curriculum is the instructional and educator program. ठीक है, instructional and educator program by following which, जिसको follow करके people's विद्यार्थी achieve their goals, ideas, aspiration of life. इसको क्या करते हैं, achieve करते हैं. The next point given here, it is the curriculum through which general aim of school education can be achieved. Can be achieved दोस्तों, curriculum ही क्या है जिसके through, जिस पे चल कर हम सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं, स्कूल के सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं. इसी में आगे देखिए, the curriculum should not be only child-centered but also consider the ideal and the values of society. What does it mean? See, look at here. Child-centered, what does it mean? The child-centered is nothing but a type of curriculum. You know, when we study about the types of curriculum, we will see child-centered, subject-centered, purpose-centered. So, child-centered क्या होता है? एक विद्यार्थी केंद्रित एक पाठ्यक्रम का प्रकार होता है. इसमें हम ना विद्यार्थियों के रुचि, विद्यार्थियों के कौशल, विद्यार्थियों के इंटरेस्ट को फोकस करते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि करिकुलम बस आपको विद्यार्थियों को फोकस करके नहीं बनाना है, करिकुलम को आपको सोसाइटी की वैल्यू, सोसाइटी की नीड और सोसाइटी के आदर्श के हिसाब से बनाना है. तो वही करिकुलम के अर्थ में आपको बताया जा रहा है कि करिकुलम शुड नॉट बी ओनली द चाइल्ड सेंटर्ड बट ऑल्सो कंसीडर द आइडियल एंड द वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सोसाइटी की वैल्यूज़ को भी हम इंपॉर्टेंस देंगे वाइल फॉर्मिंग द करिकुलम. द नेक्स्ट पॉइंट इज द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इट रन्स इनसाइड द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम. दिस इज द बेस्ट पॉइंट हियर. करिकुलम का मतलब जनरली हम ये समझते हैं कि अपने सिलेबस, नो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड द करिकुलम. करिकुलम का मतलब करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज आइदर इट रन्स इन द क्लासरूम और आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम. क्लास के अंदर होने वाली पठन पाठ है, जो भी एजुकेशन चीजें हो रही हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ करिकुलम. बट जो आउटसाइड हो रही हैं, आपका प्रेयर होना या फिर आपका कोई ट्रिप होना, आपको कब आना है, कब जाना है, लंच होना, इंटरवल होना, ये सारी क्या होती है भाई, करिकुलम का हिस्सा होती हैं. दिस ऑल इंक्लूड्स द एक्टिविटीज इंक्लूड्स इन द करिकुलम. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, करिकुलम प्रोवाइड बेस टू अचीव ऑब्जेक्टिव एजुकेशन. करिकुलम एक आधार प्रोवाइड करता है आपको शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए. तो करिकुलम दोस्तों, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द करिकुलम. लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ द करिकुलम. बताया उसी से रिलेटेड मैंने डेफिनेशन यहाँ पे कॉपी किया. अकॉर्डिंग टू मुनेरो, करिकुलम इम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस. करिकुलम इम्बॉडीज ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आर यूटिलाइज बाई द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन. कितना बेहतरीन डेफिनेशन, पीछे से जुड़ा हुआ. क्या होता है भाई, करिकुलम वो सारी चीज़ों का संग्रह है, सारी एक्सपीरियंसेस का संग्रह है जो कि स्कूल द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए. तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था. क्रो एंड क्रो ने कहा था कि करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम विच हैज़ बीन डिवाइस्ड टू हेल्प हिम डेवलप फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली एंड मोरली. इसका क्या मतलब हुआ, करिकुलम अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने कहा था कि वो सारे लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस का संग्रह है, चाहे वो स्कूल में प्राप्त हो या चाहे स्कूल से बाहर प्राप्त हो, जो कि आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है. डिवाइस का मतलब होता है कुछ सीखने का नया तरीका, कुछ करने का नया तरीका, जो कि कुछ नया सिखाने के तरीके में आपको क्या किया गया, कि भाई आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है. और ये क्या
करता है, आपके मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, मोरली आपको स्ट्रांग बनाता है, इसलिए आपको डेवलप करता है। तो क्रो एंड क्रो ने ये डेफिनेशन दिया था। तो गाइज बेस्ट डिफिनेशन करिकुलम का अगर आज तक किसी ने दिया है ना, तो वो दिया है कनिंघम साहब ने। कनिंघम ने क्या बेहतरीन आपको डेफिनेशन दिया है, उन्होंने देखिए क्या कहा, द करिकुलम इज द टूल्स, ध्यान से देखिए, करिकुलम इज द टूल्स इन हैंड ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल इन हिज स्टूडियो। करिकुलम ने, और यहाँ पे देखिए, आर्टिस्ट से इनका मतलब है टीचर से, मटेरियल से इनका मतलब है छात्रों से, विद्यार्थियों से, और आइडियल से मतलब है ऑब्जेक्टिव से, और स्टूडियो से मतलब है स्कूल से। मतलब कनिंघम ने ये कहा कि जिस प्रकार से एक आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में बैठ के अपने औजार से, अपने टूल्स से क्या बनाता है, एक बेहतरीन आकृति बनाता है, एक बेहतरीन चित्र या एक बेहतरीन आकृति बनाता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक, शिक्षक क्या भाई, शिक्षक आर्टिस्ट हो गया, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने आदर्शों के अनुसार अपने स्कूल में बैठ के एक बेहतरीन व्यक्तित्व बनाता है, एक बेहतरीन इंसान बनाता है। तो क्या बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कनिंघम ने, बेहतरीन डेफिनेशन। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चंस कई बार आते हैं कि व्हाट इज़ द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, ठीक है, पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप सबको पता है कि करिकुलम क्या है भाई, शिक्षक के हाथ में एक टूल्स की तरह होता है जो कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो करिकुलम इज द टूल इन हैंड ऑफ अ टीचर विच इज़ यूज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। द करिकुलम इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग, ठीक, मैंने कहा था ना कि करिकुलम हर एक चीज़ को इंक्लूड करती है, चाहे वो आपके स्कूल्स के अंदर हो, बाहर हो। तो करिकुलम इज द मेड अप एवरीथिंग दैट सराउंड्स द लर्नर इन ऑल हिज वर्किंग टर्म्स। बच्चा जब भी वहाँ पर पढ़ने आता है ना, तो उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़ें क्या होती हैं, करिकुलम का हिस्सा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, करिकुलम इंक्लूड टोटल लर्निंग एक्सपीरियंस दैट चाइल्ड रिसीव एट स्कूल। द नेक्स्ट पॉइंट मीन करिकुलम इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर होने वाली हर एक्टिविटीज़। मान लीजिए आपको कहीं टूर पर जाना हो, आपको कहीं ट्रिप पर जाना हो, आपको कहीं पिकनिक पर जाना हो, आपको कहीं डिबेट में जाना हो, आपको कहीं स्काउट गाइड में जाना हो, आपको कहीं शिविर में जाना हो, तो स्कूल के अंदर हर एक एक्टिविटीज़ है ना, the curriculum includes all the activities used by school. Next point is curriculum include प्रैक्टिस एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज, वेकेशंस। आपको जो वेकेशंस मिलता है, गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं, करिकुलम का हिस्सा होती है। स्पेलिंग थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, प्रेयर्स, फंक्शन, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, ऑल दिस कम्स अंडर करिकुलम, ठीक है। तो करिकुलम के अंदर सारी ये हिस्सा होती हैं। मूव करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। करिकुलम क्या फ़ायदा है, करिकुलम का उद्देश्य क्या है, करिकुलम क्या करता है ना, विद्यार्थियों का ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है, हर एक तरीके से डेवलपमेंट। अब यहाँ चाहे तो आप थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो पॉइंट क्या है, करिकुलम में आपको ऑल ओवर डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डेवलपमेंट, साइकोमोटर डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, डेवलप करती हैं आपके करिकुलम। और दूसरा, हम करिकुलम का उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंसेस। करिकुलम होगा तो हाई क्वालिटी की टीचिंग एक्सपीरियंस होगी, विच एक्साइट, एक्साइट का मतलब क्या होता है ना, आपको उत्साहित करना, प्रेरित करना, विच एक्साइट, उत्तेजित करना, एंड मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न इन द क्लासरूम एंड बियॉन्ड। मतलब करिकुलम का उद्देश्य क्या होता है भाई, इट प्रोवाइड्स द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ फिजिकल एंड स्कूल एनवायरनमेंट टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। करिकुलम होता है तो भाई क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन होता है, टू डेवलप मेंटल एबिलिटीज एंड लॉजिकल थिंकिंग पावर। ये भी क्या भाई, करिकुलम का उद्देश्य होता है, टू मेक स्टूडेंट फिजिकली, सोशली, इमोशनली स्ट्रांग। ये वही चीज़ें हैं जो आपको पीछे भी बताई गई हैं। तो करिकुलम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू मेक स्टूडेंट फिजिकली, सोशली, इमोशनली स्ट्रांग, और टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सोसाइटी एंड द कॉपरेशंस। कॉपरेशंस की क्या वैल्यू होती है, सोसाइटी की क्या वैल्यू होती है, टाइमिंग की क्या वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ें भी करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि करिकुलम से क्या फ़ायदा, करिकुलम से मतलब कि अब आप ये भी कह सकते हैं कि टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉपरेशन, टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पंक्चुअलिटी। आप जो भी, ये भी करिकुलम का क्या होता है भाई, एक उद्देश्य होता है, तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकती है। दोस्तों, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्या आप इस बात को नहीं मानेंगे कि मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, ये इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने करिकुलम को। एग्जामिनेशन सिस्टम्स, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसे प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम को। किसी का सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो रहा है और किसी का ईयरली एग्जाम हो रहा है, तो सेमेस्टर वाइज का करिकुलम ईयरली करिकुलम के बराबर नहीं होगा, वो दोनों में डिफरेंस होगा। सो दैट्स व्हाई एग्जामिनेशन ऑफ सिस्टम भी करिकुलम को क्या करता है भाई, इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या,
है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की नीति क्या है और सरकार किस तरह की है। अगर सरकार को लगता है कि ये करिकुलम अच्छा नहीं है तो वो चेंज कर दिए। जैसे कि मान लीजिए अभी सरकार को अगर उनको लगता है कि नहीं ये संस्कृत को इंक्लूड करना है, उर्दू को इंक्लूड करना है, इन चीज़ों को सरकार को लगता है कि सर्दियों में नहीं 7 बजे से पढ़ाई ना हो 9 बजे से पढ़ाई हो, तो गवर्नमेंट भी क्या करती है भाई, गवर्नमेंट क्या करती है करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है। आप बस पॉइंट याद रखिए, एग्जाम्स में पॉइंट लिखिए और उसके अंदर लिखते जाइए। नेम है बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में बात मैं वही बताया कि मान लीजिए CBSE बोर्ड है तो आपका करिकुलम कुछ और होगा, ICSE है तो आपका करिकुलम कुछ और होगा, तो बोर्ड ऑफ करिकुलम भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करती है, या फिर इन्फ्लुएंस कह लीजिए, या फिर अफेक्ट कह लीजिए, या फिर आप डिपेंड कह लीजिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है भाई, डिपेंडेंट होती है इन चीज़ों पे भी। नेशनल क्या भाई, कमेटी। नेक्स्ट क्या भाई, नेशनल कमीशन ऑफ कमेटी, नेशनल कमीशन ऑफ कमेटी, ये क्या चीज़ होती है, यही डिसाइड करती है कि आप कैसे करिकुलम बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इससे पहले हमारा क्या था, 10th में बोर्ड होता था, इससे पहले क्या होता था भाई 12th का बोर्ड, इससे पहले 8th क्लास का भी बोर्ड एग्ज़ाम होता था, लेकिन तो बाद में नेशनल कमेटी ने यह प्रस्तावित कर दिया कि बस 10 का बोर्ड होगा और 12 का बोर्ड होगा। और अभी का हाल यह है कि अब 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को भी कैंसिल कर दिया गया, एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया गया। तो वही चीज़ है कि करिकुलम को भी और नेशनल कमीशन कमेटी क्या करता है भाई, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और तीसरा भाई सोशल चेंजेस, सोशल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए समाज में कोई आप चेंजेस लाना चाहते हैं तो करिकुलम को प्रभावित कर सकते हैं। एज एग्जांपल्स, मेरी जब स्कूलिंग हुई थी तो उस समय एक टॉपिक बैड टच और गुड टच हम नहीं पढ़ते थे, मगर आज बच्चे गुड टच और बैड टच भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज की हिस्सा बन गई है, बच्चों को जानना ज़रूरी है, ये सोशल चेंज लाना है कि हाँ ये गुड टच और बैड टच क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस पर खुल के बात हो रही है। तो कहने का मतलब एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम के डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर सकती हैं, तो आपका मैनेजमेंट आपको प्रभावित कर सकता है, एग्जामिनेशन सिस्टम, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, नेशनल कमीशन कमेटीज़ और सोशल चेंजेस। दोस्तों ये आपका हेडिंग और पॉइंट था, इसके अंदर आपको लिखना है, और जब आप इसके अंदर लिखेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन में आप इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि कैसे मैनेजमेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है। दूसरा दोस्तों, एजुकेशन सिस्टम में आप इसको भी इंक्लूड करेंगे, ईयरली एग्जाम्स, सेमेस्टर एग्जाम्स, ठीक है, ये भी आप इंक्लूड करेंगे, और बोर्ड ऑफ एग्जाम्स में सॉरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी आप यूज़ करेंगे कि गवर्नमेंट कैसे एजुकेशन पॉलिसीज लाती है और वो कैसे चेंजेस करती है। बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में भी आप इंक्लूड करेंगे CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप कोई पॉइंट लिखना चाहते हैं जो फैक्टर को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो आप कह सकते हैं स्टेट रीजन, क्योंकि स्टेट मतलब मान लीजिए आंध्रा के करिकुलम डिफरेंट होंगे, तेलंगाना के करिकुलम डिफरेंट होंगे, गुजरात के करिकुलम डिफरेंट होंगे, तो स्टेट रीजन, लैंग्वेज, ये चीज़ें भी क्या करती हैं, करिकुलम को प्रभावित करती हैं। आप चाहे तो हेडिंग नोट कर सकते हैं, बाकी इतना भी इनफ है। तो नेक्स्ट दोस्तों मूव करते हैं कहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। याद रख लीजिए, अगर ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आने की कि करिकुलम निर्माण के सिद्धांत क्या हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि करिकुलम निर्माण के सिद्धांत के जो नंबर्स हैं ना वो फिक्स नहीं है, आप 10, 12, 15, 14, 20 आप जितना चाहे उतना प्रिंसिपल बना सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेड, तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिंसिपल है, इस आधार पे आप करिकुलम को बना सकते हैं। यूटिलिटी मतलब क्या होता है भाई, वो कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, तो आप ऐसे करिकुलम बनाएंगे जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल कर सके, ठीक है, तो उस हिसाब से आप करिकुलम बनाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लैक्सीबिलिटी, एक ऐसा करिकुलम बनाएंगे जो फ्लैक्सीबल होगा, फ्लैक्सीबल इन सेंस आपने कोई ऐसा हार्ड करिकुलम बना दिया, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, तो आपको इस हिसाब से करिकुलम निर्माण करना है कि हर एक बच्चा उसे पढ़ सके, ठीक है। दैट करिकुलम वेयर अ चाइल्ड गेट एजुकेशन इज अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, ऐसे आपको बनाना है जिसमें बच्चे की रुचि हो और उसकी योग्यता के आधार पे हो। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना है, और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़ का मतलब आप अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे कि प्रिंसिपल सॉरी करिकुलम कंस्ट्रक्शन में हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि बच्चों को बस बुकिश नॉलेज ना मिले, उनको एक्टिविटीज़ मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ मिले जो कि बच्चों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे एजुकेशन को कैरी फॉरवर्ड करने में। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़, प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा क्रिएटिविटी का भी ध्यान रखना है कि बच्चे को अंदर थोड़ा सा नए प्रोजेक्ट पे काम करना, नई चीज़ों पे काम करना, तो आपको क्या करना है, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज़ को भी मेंशन करना है, सॉरी क्रिएटिविटीज़ को। अब नेक्स्ट है भाई
प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस का मतलब उनको आपको ऐसा बनाना है करिकुलम कि वो अपने अपने अनुभव के वो द्वारा सीखे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके करिकुलम का एक हिस्सा है माइक्रो टीचिंग। ये क्यों रखा गया है? ये इसीलिए रखा गया कि आप बच्चों को पढ़ाएं, दूसरी जगह जाएं और वहां से सीखें, अनुभव करें। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंसेस भी क्या होता है भाई, करिकुलम कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होती है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल ओरिएंटेशन, वही बात है सामाजिक कार्य के लिए भी ऐसा करिकुलम बनाना है जिसमें सामाजिक कार्य को भी फोकस किया जाए। प्रिंसिपल ऑफ हायर एजुकेशन नीड, ऐसा करिकुलम बनाइए कि बच्चे जब आगे जाके पढ़ें तो उनको हायर एजुकेशन में हेल्प मिले। तो ऐसा करिकुलम बनाइए जो आगे के एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब आपको ऐसा करिकुलम बनाना है जो दूसरे सब्जेक्ट से भी इंटीग्रेट करता हो, एक रिलेशन बनाता हो। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक वैल्यू, आपको ऐसा करिकुलम बनाना है जो देश के लोकतांत्रिक वैल्यूज को भी प्रदर्शित करता हो, बच्चों को यह सिखाता हो कि लोकतांत्रिक वैल्यूज क्या होते हैं। देखिए मैंने फिर से कह रहा हूं कि देखिए ये जो नंबर्स है ना 10 नंबर्स, आप इसके अलावा भी 12, 13, 14, 15 जितना चाहे आप बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप और क्या लिख सकते हैं, आप और लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद लाइफ, मतलब एक ऐसा जो आपके जीवन से जुड़ता हो, ये भी बना सकते हैं। आप ये भी बना सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग कंफर्ट्स, यानी कि टीचर्स कंफर्ट, एक ऐसा करिकुलम बनाइए जो टीचर्स के कंफर्ट के हिसाब से हो। ऐसा नहीं कि आप इतना टफ बना दें कि वो टीचर को ही समझने में दिक्कत हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है भाई, ये प्रिंसिपल है कि किस आधार पे, किस प्रिंसिपल्स पे आपको करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये मैंने आपको हेडिंग बता दिया पॉइंट कि इस पूरे करिकुलम में हमने क्या क्या चीज़ें देखी। करिकुलम में हमने इसका मीनिंग देखा, मीनिंग में क्या देखा दोस्तों, मीनिंग में हमने देखा कि करिकुलम एक लैटिन वर्ड से लिया गया है क्यूरेरे से, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। और उसके बाद हमने क्या देखा, इसके उद्देश्य देखे, इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देखे, इसके निर्माण के सिद्धांत देखे, इसकी परिभाषा देखी और साथ ही साथ इसकी विशेषताएँ भी देखी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा हमने, ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने इसका देखा। एक चीज़ रह गई है, कौन सी चीज़ें रह गई, अब एक चीज़ रह गया है वो इसके टाइप्स ऑफ करिकुलम। दोस्तों टाइप्स ऑफ करिकुलम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बना दिया जाएगा ऐसे ही इंग्लिश नोट्स के साथ। आई होप कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, ऐसे ही आपको नोट्स मिलते रहे और ऐसे ही हम मिलके साथ पढ़ते रहेंगे। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे मिलके। जय हिंद जय भारत, मिलते